ये मेन्यू, अगर आपको इस मेन्यू में कोई ऐड करना हो तो आप मेन्यू में कोई भी प्रोडक्ट्स या कोई भी चीजें ऐड कर सकते हैं। इसके लिए कैसे होगा कि आपको कोई नया प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप नया प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले मैं प्रोडक्ट ऐड करके दिखा देता हूँ किस तरह का प्रोडक्ट ऐड करना है। प्रोडक्ट की कैटेगरी ऐड करना, कैटेगरी ऐड यहाँ से कर सकते हैं। एट्रीब्यूट ऐड करना है, यानी कि 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, इस तरह का अगर सेक्शन अगर डाल देते हैं ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो ऐड करना बड़ा सिंपल ऑप्शन है। आप प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड करेंगे, ये अभी आप इसमें अभी लगभग लगभग 208 प्रोडक्ट्स अभी डले हुए हैं ऑलरेडी। इसमें वेज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें डले हुए हैं। साथ साथ इसमें एक सर्विस का भी प्लेटफॉर्म है, जैसे ये सर्विस का प्लेटफॉर्म, सर्विस का भी कितने आप डाल सकते हैं। तो पहले हम क्या ये देख लेते हैं प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड करेंगे, उसके बाद हम ये जानेंगे कि सर्विसेज किस तरीके से आप अपने ई कॉमर्स की वेबसाइट में भी आप इनेबल कर सकते हैं। सिंपल ऑप्शन है, आप अपने एरिया में जो ई कॉमर्स के पोर्टल बनाए हैं या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बनाए हैं तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि मैं सर्विसेज भी प्रोवाइड करूंगा, कुछ बंदे रख के ताकि उससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, तो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डालने का बिल्कुल सिंपल ऑप्शन, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, यहाँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालेंगे, उसके बाद आपको प्रोडक्ट के जो ये शॉर्ट लिस्ट है, ये शॉर्ट लिस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का जो स्मॉल शॉर्ट लिस्ट है वो कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज मैंने ये प्रोडक्ट ओपन किया है और ये प्रोडक्ट ओपन करने के बाद हम इसमें जो देखते हैं जो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं और कहाँ कहाँ कौन सी चीजें अपडेट होंगी। एक बार आप जब इसको जान जाएंगे तो फिर आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे जैसे ये जो शॉर्ट लिस्ट है, ये शॉर्ट लिस्ट, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप डालेंगे यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे, और ये जो आपको फुल डिस्क्रिप्शन दिख रहा है ये डालेंगे आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, ये ऊपर वाले सेक्शन पे ऐड करेंगे। ठीक, तो ये इस टाइप से होगी। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट के मल्टी टाइप है, यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट है, एक ग्रुप प्रोडक्ट है, अगर ग्रुप वाइज प्रोडक्ट डालना चाह रहे हैं कि वायरल प्रोडक्ट है। तो पहले हम सिंपल प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे कोई किसी प्रोडक्ट की जो रेगुलर प्राइस है वो सपोज 800 रुपए है, बट उसकी जो सेल प्राइस है वो सपोज 700 रुपए है, यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। हाँ, यही पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में अगर आप ऑफर लगाना चाहते हैं कि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशन टाइम तक के लिए है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करना है और वो टाइम सेलेक्ट करना है जो टाइम तक आप इसका ऑफर देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने सर्च किया कि 14 से लेकर ये 31/1 तक का ये ऑफर है। ठीक, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ये हो गया टेस्ट और उसका यहाँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको इन्वेंटरी डालना है कि इसमें कोई एक कोड डालना है, यूनिक कोड, ताकि उस कोड के थ्रू भी आप मालूम कर सके और ये प्रोडक्ट कितने आपके पास स्टॉक है नहीं है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे ये जो लो स्टॉक है वो आप 2 रखिएगा, यानी जब ये 2 रह जाए तो आपको मैसेज आ जाए कि हाँ ये जो है लो स्टॉक आ गया है। और वेजिटेबल्स में ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है, बट अगर फ्रूट्स वगैरह हैं तो उसमें भी जरूरत नहीं होती इसकी स्टॉक मैनेजमेंट की। तो अगर अनलिमिटेड स्टॉक लेना चाहते तो इन स्टॉक करके रख दीजिए, आपका प्रोडक्ट आता रहेगा, आपका ऑर्डर आता रहेगा। बट कोई ऐसे पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स है जिसमें आपको स्टॉक मैनेज करना है तो आप यहाँ पे स्टॉक मैनेज कर सकते हैं और डू नॉट अलाउ, यानी अगर जब स्टॉक आपका खत्म हो जाए तब कोई कस्टमर उसको अलाउ ना कर पाए, या फिर कहते हैं कि अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर। अगर आप ये भी सेक्शन चाहते हैं तो भी ये सेक्शन कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप जैसा चाहें वैसा चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये शिपिंग है, शिपिंग अगर आप खुद की शिपिंग है तो भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी से अगर शिपिंग का कराना चाहते हैं और बिलिंग में मेंशन करना चाहते हैं शिपिंग के रेट, वेट, कॉस्ट, तो आप यहाँ पे ये डाल सकते हैं। इसके बाद ये एक आपका लिंक्ड प्रोडक्ट है, अगर आप उस प्रोडक्ट्स के बाद कोई नया प्रोडक्ट्स भी ऐड करना चाह रहे हैं, लिंक करना चाह रहे हैं रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, या जिसको हम अपसेलिंग प्रोडक्ट कहते हैं या क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट कहते हैं, तो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, इसकी खास कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट का काम कब होगा मैं भी बता देता हूँ। एट्रीब्यूट ये होता क्या है, एट्रीब्यूट ये भी जानना जरूरी है। एट्रीब्यूट ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 500 ग्राम है और 1 kg है, तो इस तरह का यहाँ पे दो क्वांटिटी है, यहाँ पे क्वांटिटी वेट है, तो इस तरह की चीजें होती है। जैसे इस तरह का कपड़े में है तो कलर्स हो गया, तो कपड़े कलर्स वगैरह आप डाल सकते हैं।
इसके अलावा आप जो और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कलर हो गया, साइज हो गया, ये सारी चीजें एट्रीब्यूट में आप मेंशन करेंगे, तो भी तरीका मैं बताऊंगा आप कैसे वो चीजें करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करना है, प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको चूज करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी है, वो कैटेगरी आप यहाँ से चूज करेंगे, जो भी कैटेगरी है, सपोज कि मैं यहाँ पे स्पाइसेस कैटेगरी में चूज कर लेता हूँ। उसके बाद अगर कोई कैटेगरी एड करना हो तो आप यहाँ पे कैटेगरी एड कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि इसमें इमेजेस भी लगाएं तो इमेजेस आप यहाँ से लगाएं, या कॉल टू सेक्शन का भी रखना चाहते हैं आप यहाँ पे अपना नंबर दे सकते हैं, पार्टिकुलर नंबर, लेकिन इसकी कोई खास जरूरत नहीं, ये आपका ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ये जो सेक्शन है ये व्हाट्सएप के लिए या इसके लिए इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सेट कर रखा है, ठीक है। बट अगर आप पार्टिकुलर किसी सर्विस के लिए, कोई पार्टिकुलर कोई सर्विस ऑनर है तो सर्विस के लिए अगर करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। यानी कोई ऐसा बंदा है जो किसी पार्टिकुलर सर्विस के लिए ही, किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे ही को कर रहा है, किसी दूसरी चीजों पे नहीं, तब ये चीज आप मेंशन कर सकते हैं, और ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। इसका इमेजेस अगर रखना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट्स की इमेजेस आप यहाँ पे रखेंगे, कोई भी एक प्रोडक्ट्स का डालना चाहते हैं तो आप ये प्रोडक्ट्स इमेजेस आप वहाँ पे रखेंगे। सपोज कि मैं कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये प्रोडक्ट मैंने चूज किया, उसके बाद इसको मैंने ऐड कर दिया, तो ये प्रोडक्ट आपको दिखाएगा प्रोडक्ट की इमेज, ये जो इमेज है ये दिखाएगा आपको प्रोडक्ट की इमेज, ठीक। बट इस प्रोडक्ट के अगर रिलेटेड कई इमेजेस अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं। ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट गैलरी में आ जाएगा, यहाँ पे आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो बस सिंपल सा फंडा था ये सारी चीजें, मैंने आप इसको क्या, ये सब काम आपका ओके हो चुका है। इसका जब आपका काम ये ओके हो जाए तब आपको क्या करना है, पब्लिश कर देना, सिंपल ऑप्शन है और कोई चीज नहीं। ध्यान रहे तीन चार चीजें करनी है आपको, एक आपका टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपका रेट वेट, यहाँ सेक्शन पे रेट वेट और इन्वेंटरी, बाकी सिंपल प्रोडक्ट में और कोई चीज जरूरत नहीं है। इधर कैटेगरी आ गया, इमेजेस आ गया, हो गया, ठीक है। बट अगर आप मल्टी टाइप प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, यानी मल्टी एट्रीब्यूट के साथ, कुछ साइज डिफरेंट हो, प्रोडक्ट की साइज डिफरेंट हो, कलर डिफरेंट है, या फिर इस तरीके से उसके बहुत सारी चीजें अलग अलग है, ठीक, तो वो चीजें मेंशन कर सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो कुछ लिमिटेशन थे, मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल आप किस तरह से मैनेज करेंगे, तो ये ऑफर है, ये ऑफर जो है सिर्फ और सिर्फ इतने दिनों तक के लिए ही है। आप ये ऑफर का देख सकते हैं किस तरीके से दिख रहा है, राइट। तो ऐसे भी आप मेंशन करना चाहते हैं। सेम यही चीज अगर आप होम पेज में भी करना चाहें नया ऑफर, तो भी आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें अगर एट्रीब्यूट ऐड करना हो, यानी मल्टी साइज या मल्टी कलर अगर ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। सिंपल ऑप्शन है, यहाँ पे क्या कीजिए, आपको एट्रीब्यूट बनाना है। सपोज कि यहाँ पे साइज के लिए हमें एट्रीब्यूट बनाना है, या वेट के लिए बनाना है, या क्वांटिटी के लिए बनाना है, तो कुछ भी आप जो आप चाहते हैं वो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। सपोज कि मैंने मुझे एक वेट के लिए बनाना है, तो यहाँ पे मैंने वेट डाल दिया ये 500 ग्राम, और उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड करना है। अच्छा, ये जो की है ये आपका पार्टीशन है, पार्टीशन है, ये पार्टीशन आप कैसे डालेंगे इसको, कहते हैं कि अपने हिसाब से, बहुत सारे लोग अपने हिसाब से कहते हैं, लेकिन इनका जो नाम जो है ये आपको जो फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड कीबोर्ड में अगर आपको तलाश करना हो तो कैसे मिलेगा, ये फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश के बाद आपको शिफ्ट प्रेस करके आपको डालना है, तब वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बैक स्लैश नहीं, ध्यान रहे कि फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश आपको पता होना चाहिए, ये होता है फॉरवर्ड स्लैश और ये होता है बैक स्लैश, ठीक है। तो आपको ये फॉरवर्ड स्लैश जो बटन रहता है कीबोर्ड में, उन कीबोर्ड में उसी को जो है कि शिफ्ट प्रेस करके करना है, तभी आके आपको ये वाला आ जाएगा पार्टीशन, ठीक है। इसके बाद यानी एक के जी और यहाँ पे जो 500 ग्राम है उनके दरमियान के जो एक पार्टीशन है उसके लिए आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 1 kg, और इस तरीके से आपका 2 kg, जैसे आप मैनेज करना चाहेंगे वैसे आप कर सकते हैं। हाँ, सेम इसी तरह का अगर आपको मैनेज करना हो इसका कलर का, साइज का, तो भी आप या कलर साइज मैनेज कर सकते हैं सेम एज इट इज। इसी तरीके से सपोज के यहाँ पे जैसा भी ये फ्रूट्स हैं, जिसको फ्रूट डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फ्रूट्स हैं, तो यहाँ चेंज करना चाह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स, तो उसमें क्या करेंगे, यहीं पे एक और साइज बना देंगे, एट्रीब्यूट ऐड, ऐड पे क्लिक करेंगे आप, और ऐड पे क्लिक करके आप उसको साइज टाइप बना देंगे। तो साइज तो खैर ये एक फ्रूट्स में नहीं होता है, आपका कपड़े वगैरह के जो सेक्शन है उसी में आता है साइज, साइज के लिए,
तो यहाँ पे आप साइज पे कस्टम पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइज डालना है। अब ये साइज आपको मेंशन करना है, सपोज के ये साइज 28 है, तो 28, उसके बाद 29 है, उसके बाद आपको जो है 30 है, ठीक है, उसके बाद आपको 32 है, जैसा साइज है वैसा आप कर सकते हैं, यानी 28, 29 के 30, 32, इस तरह के जो साइजेस हैं, साइजेस बनाना चाहते हैं तो भी आप वो बना सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, एट्रीब्यूट इसका सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको ये कब कर सकते हैं एट्रीब्यूट, ये भी जानना बहुत जरूरी है। एट्रीब्यूट के लिए आपको वेरिएबल प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्ट, ठीक, तब जाके वहां पे एट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे आप वो देखें कि वो प्रोडक्ट टैक्सेबल है या नहीं है, आप यहाँ पे टैक्सेबल कर लेंगे, अगर है तो ठीक है, नहीं है जैसे ग्रोसरी का वगैरह है तो उसमें टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है, वो जीरो रिटर्न में होता है। इसके अलावा कोई वीडियो डालना चाह रहे हैं कोई उस प्रोडक्ट्स के रिलेटेड में, देखिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोई भी बिजनेस अगर आप लॉन्ग टाइम तक के लिए करना चाहते हैं और बड़ा क्विकली रिजल्ट चाहते हैं तो आप क्या करें, उस प्रोडक्ट्स के बारे में छोटी छोटी वीडियो बना लें, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड, इस तरह के छोटे छोटे जो वो प्रोडक्ट को रख के वीडियो बना लीजिए और वो वीडियो यूट्यूब में डाल दीजिए और उसका लिंक आपको अपनी इस यहाँ पर डाल दीजिए, तो क्या होता है कि उससे आपका प्रमोशन बहुत ज्यादा होता है और कस्टमर बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत तरीके से, चाहे उस वीडियो को आप व्हाट्सएप से कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, क्योंकि लोग वीडियो से बहुत ज्यादा जो है अट्रैक्टिव होता है। तो खैर यहाँ पे हमने के एट्रीब्यूट क्रिएट कर दी थी, ये वेट और साइज की, अब इसका हमें वेरिएशन क्रिएट करना है। तो एट्रीब्यूट क्रिएट करने के लिए हमने के यहाँ पे सेव कर दिया, अब इसका वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब ये हो गया कि जो हमने के साइज रखा था, वेट रखा था, उसके हिसाब से हमने वेरिएशन क्रिएट करना है, ठीक है। वेरिएशन के लिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, सॉरी ये मैंने सेव कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसमें कि ये एट्रीब्यूट का सिलेक्ट करने से पहले ही मैंने वो कर लिया था, इसलिए जो है यहाँ पे अब अपडेट करना पड़ेगा। तो आप जब डालेंगे तभी तभी उसको यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप आप चूज कर लीजिएगा, तो फिर आपको ये चीजें नहीं आएगा, ये लर्न मोर का ऑप्शन ये उस टाइम पे नहीं आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट में मैं इसलिए ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या बहुत ज्यादा काम करना होता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स पे ही काम करना होता है कि कैसे आप प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे नहीं करेंगे वो सब होता है, ठीक है। यहाँ पे मल्टी एट्रीब्यूट ठीक है, ये तो सब ठीक है। अच्छा यहाँ पे यूज अ वेरिएशन, इसको भी हमें क्लिक करना था, तो हमें इसका ये सेक्शन हमें ऑन कर लेना, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखा ये आउट ऑफ स्टॉक दिखा दे क्योंकि हमने इसमें वेरिएशन डाल दिया है और वेरिएशन डालने की वजह से हमने क्या वो चीजें क्या अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आउट ऑफ स्टॉक दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका यूज फॉर वेरिएशन के नाम से सेव कर लिया और यहाँ पे अब हम वेरिएशन पे क्लिक करेंगे, अब ये आ गया सारा वेरिएशन, तो उस चीज हमने नहीं की थी इसलिए नहीं आ रहा था। अब आपको क्या करना है, क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट, जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स के आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह से वेरिएशन क्रिएट करना। वेरिएशन मतलब आपका जो मल्टी वेटेड है, मल्टी रेटेड है, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। हाँ साइज के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट अपलोड करना चाहें वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, कलर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अपलोड करना चाहे वो भी आप कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे 12 वेरिएशन है, यानी जो हमारे पास 3 साइज था और 4 जो है आपका वेट है, तो उसके हिसाब से मिलेगा, जैसे कि 500 ग्राम के एक 28 साइज का आ गया, 500 ग्राम के 29 साइज का आ गया, 500 ग्राम के 30, 500 ग्राम के 32। ये चीज तो मैंने आपके एक सैंपल के लिए दिया है, लेकिन ये कब काम आएगा, जब ये आपके क्लॉथ वगैरह के लिए काम करे तब उसके लिए जरूरत है, बट फ्रूट्स वगैरह के लिए इसकी जरूरत नहीं है। हाँ फ्रूट्स वगैरह के लिए अगर आप इतना कर सकते हैं, कलर मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हर एक का जो है रेट वेट आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको डालना रहेगा, सेम वही तरीका जो आपने इससे पहले बताया था, ठीक है। इस हिसाब से आप जो किसी भी प्रोडक्ट का वेरिएशन आप डाल सकते हैं, ठीक। तो मैं एक करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझ में, आसानी हो।
तो ये मैंने दो तीन वेरिएशन में डाल देता हूँ सैंपल के लिए। जब आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि जब तक आप उसमें प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप उसमें कोई चीज समझ में नहीं आने वाला। ठीक, तो आप प्रैक्टिकल करें तभी जाके आप देखें तो बेटर रहेगा। अभी यहाँ मैंने सिर्फ दो प्रोडक्ट्स को मैंने अपडेट किया, दो वेरिएशन के जो रेट थे उसको मैंने अपडेट किया है और बाकी सब ऐसे ही है तो छोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको अभी दो ही का प्रोडक्ट का जो है दिखेगा, जो रेट दिखेगा यहाँ पे सिर्फ दो ही वेरिएशन का रेट दिखेगा और बाकी जो वेरिएशन है वो वेरिएशन नहीं दिखेगा। राइट, इसके बाद क्या है कि अगर आप ये बात कर लें कि आप प्रोडक्ट्स के जो रेट वगैरह था, ये वेट वगैरह था, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब अगर इसके कोई दूसरे चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं, सपोज कि इसमें आप करना चाहते हैं कि ये कैटेगरी या कैटलॉग इस तरह के मैनेज करना चाहते हैं, कैटेगरी मैनेज करने के लिए बड़ा सिंपल ऑप्शन है कि कोई कैटेगरी मैनेज करना, मैंने आपको बता दिया था कि अगर प्रोडक्ट डालते टाइम ही कैटेगरी ऐड करना हो तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि ऊपर के यहाँ पे देखिए, ये वेरिएशन बहुत सारे वेरिएशन आ गए, बट मैंने जो अपडेट किया ये 500 ग्राम और 2 kg का अपडेट किया था। तो देखिए जो वेरिएशन अभी इसमें आया हुआ वो नहीं अवेलेबल है, वो कट कर दिया है। ठीक, तो इस तरीके से आप साइज के अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे सर्विस की जो कैटेगरी है वो कैटेगरी कैसे करेंगे, वो कैसे काम होगा। क्योंकि आप सर्विस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज ही दिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज में क्या है कि ये सर्विसेज आ नहीं रहा है, कनेक्टेड नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है। तो ये कनेक्टेड भी होना जरूरी है, इन्होंने तो जो हमारा डेवलपर उन्होंने मिस किया है, लग रहा है कुछ चीजें मिस कर दी है कि कनेक्ट नहीं हो पाया है। तो आगे भी कनेक्ट करके मैं दिखाऊंगा अभी आपको कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, उसको प्रोडक्ट क्रिएट करना कैसे वो भी मैं दिखाऊंगा। सपोज कि हम जो सर्विसेज है उसको जानना है ये कैसे काम करेगा, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन यहाँ पे लिखा है बुक अपॉइंटमेंट। ये क्या होगा, आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये जब भी कोई बंदा चाहे तो आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है, या वो बंदा जो इस सर्विस से रिलेटेड है उसी बंदे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है, बुक अपॉइंटमेंट के थ्रू यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वो व्हाट्सएप पे लेके जाएगा। ठीक है, आज ना व्हाट्सएप पे डील करना बहुत आसान है और लोग व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं इस वजह से, क्योंकि वहां पे बहुत जल्दी बातचीत हो जाती है और लोग हर एक के पास व्हाट्सएप होता है, चाहे कुछ हो या ना हो, जेब में पैसा हो या ना हो, बट मोबाइल में व्हाट्सएप जरूर होता है। यही वजह है कि आज के डेट में मार्केटिंग व्हाट्सएप से बहुत ज्यादा होती है। तो वैसे मैं भी अगर बात करूं तो मैं भी व्हाट्सएप से बहुत ज्यादा डील करता हूँ, अराउंड पर डे जो है हमारे पास व्हाट्सएप से ही लगभग 100-150 कस्टमर आते हैं पर डे, तो उनसे का डील होता है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाते बनाते अभी भी दो लोग जो है कि अभी रात के 11 बज रहे हैं सिर्फ व्हाट्सएप से लोग कनेक्ट कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए व्हाट्सएप की जो बिजनेस है ना बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है, अब लोग कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। है, जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे ये सर्विसेज में तो आप ये देख लिए कि किस तरीके से लोग कनेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, बट ये चीज प्रोडक्ट डालेंगे कैसे, तो डालने के लिए बड़ा सिंपल ऑप्शन है। सिंपल ऑप्शन ये है कि आप कोई भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आपको प्रोडक्ट डालना था, प्रोडक्ट डालना है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि इन्होंने इलेक्ट्रिशियन के नाम से ये प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं, ये सर्विसेज हैं जो इन्होंने ऐड कर रखा है। अब यहाँ पे सर्विसेज के नाम से इन्होंने ये डाल दिया है बुक इन अपॉइंटमेंट, और यहाँ पे ये जो यूज किया एक्सटर्नल लिंक यूज किया हुआ है, आप यहाँ पे लिंक यूज करके यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर दे दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, और उसके मिनिमम फीस अगर मैनेज करना चाहते हैं या आप फीस मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर कैटेगरी ऐड करना हो आपको, होम पेज में कैटेगरी ऐड करना हो तो ये कैसे करेंगे। तो ये देखिए, ये आपका कैटेगरी का सेक्शन है यहाँ पे, ये कैटेगरी के सेक्शन पे आने के बाद प्रोडक्ट्स के अंदर कैटेगरी सेक्शन है, और होम पेज में लाना हो तो आप यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करेंगे, और मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा ऑप्शन। ये है सारी कैटेगरी, राइट। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का लिंक किया हुआ नहीं था, इसलिए वहां पे दिख नहीं रहा था। ठीक
यहाँ पे होम सर्विसेज का नाम से कस्टम का लिंक किया हुआ है, ये भी चीज आपको वहां पे दिख नहीं रहा था, ठीक है। अब मैं ये सब कुछ ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ये आपको मिलेगा होम सर्विसेज। जी हाँ, ये आप कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद ये आपको मिल गया होम सर्विसेज। तो आप ये मेन्यू में आना है, मेन्यू में आने के बाद इसको अपडेट कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपने अपडेट कर दिया। और बाकी जो ये होम डेकोर वगैरह है तो ये आप खुद से कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए ज्यादातर। हाँ, ये अगर आपको करना है जैसे होम डेकोर है, इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिशियन है, हेयर ड्रायर है, तो ये कैसे करेंगे, ये आपका सिंपल ऑप्शन है। क्यों ये सर्विसेज कैसे इलेक्ट्रिशियन, ये आप यहाँ से लिंक ले लिए और ये लिंक लेकर के आप यहाँ पर ऐड कर लिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रिशियन, ये इलेक्ट्रिशियन, ये आ गया, ठीक। जब भी कोई बंदा ओपन करता है इलेक्ट्रिशियन ओपन हो जाए, ठीक। इस टाइप से जो कोई अगर कैटेगरी ऐड नहीं हुआ तो वो कैटेगरी आप अपने अकॉर्डिंग वो ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी ये काम नहीं कर रहा था, बट अभी आप रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये क्या है, काम कर रहा है। जैसे अभी इस पर क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा, यहाँ इलेक्ट्रिशियन पे क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा। देखिए यहाँ पे वो सारे सर्विसेज आ गए जो सर्विसेज आप यहाँ पे करना चाहते हैं, ठीक है। जिस तरह से वन वन का अलग अलग करके करना भी चाहते हैं, इस तरह के यहाँ पे वो सर्विसेज भी मैनेज कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। ये देखिए आगे ना इलेक्ट्रिशियन का, तो खैर इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको मैनेज भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट ऐड करना हो, कैटेगरी ऐड करना हो उसमें तो कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है, यहाँ से आप कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं। ये कस्टम लिंक पे जाते हैं, यहाँ पे लिंक बना के आप कैटेगरी ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिंक डाल देंगे, उस कैटेगरी का नाम ऐड कर देंगे, यहाँ पे ये कैटेगरी ऐड हो जाएगा। लेकिन ये कैटेगरी कनेक्ट करना है प्रोडक्ट से, तो प्रोडक्ट की कैटेगरी आपको यहाँ से क्रिएट करनी है। ये आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी है, ये आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ से ऐड करनी है। इसको होम पेज शो कराने के लिए आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, या फिर इसका दूसरा ऑप्शन है तो दूसरा ऑप्शन आपका कोड के थ्रू करना पड़ेगा, तो आप कोड के थ्रू ना जाए, अब यहीं से आपको ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। कोड के थ्रू बोले तो कि यहाँ पे अपीयरेंस, उसका कस्टमाइज, उसके अंदर जाके मेन्यू के अंदर जाके करना पड़ेगा, तो आप बेटर है आपके आपके लिए कि आप यहीं से करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत आसानी है। वहां पे फिर अगर आप करेंगे तो उसमें थोड़ा मिसमैच हो जाएगा, तो फिर साइड में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। ये बहुत लॉन्ग वीडियो बन गया है, इसके बावजूद अगर कोई चीज करने रह जाती है या कोई समझ में नहीं आती है तो आप मुझे टेक्स्ट कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं ये आपको सॉल्यूशन निकाल दूंगा, ठीक है। आपने जान लिया कि इस लंबे लॉकडाउन के बाद किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लाना कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी प्रकार के बिजनेस हो, ई कॉमर्स का हो, चाहे किराना का हो, या ग्रोसरी स्टोर का हो, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग का हो, ऑनलाइन क्लॉथिंग का हो, सिंगल वेंडर हो, मल्टी वेंडर हो, किसी भी टाइप में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और उसको अगर आप ऑनलाइन नहीं लाए हैं या ऑनलाइन आपने किया नहीं है, अगर आपकी सोच है कि आप उस बिजनेस को ऑनलाइन लेके आए, तो इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि आपको यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है, चाहे आप वेबसाइट बनाना चाहें, चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहें, चाहे आपको ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाना हो या सर्विसेज का प्लेटफॉर्म बनाना हो। सिर्फ यही नहीं, बिजनेस को सेटअप करने के बाद, ऑनलाइन लाने के बाद उसका प्रमोशन करना, चाहे आप यूट्यूब में प्रमोशन करना चाहें, गूगल में प्रमोशन करना चाहें, फेसबुक में प्रमोशन करना चाहें, यानी बिजनेस को सिर्फ बना लेना बड़ी बात है, वेबसाइट डेवलप कर लेना बड़ी बात नहीं है, बिजनेस के मोबाइल एप्लीकेशन बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों तक आपकी जो एप्लीकेशन है, आपकी जो बिजनेस है उसको पहुंचाना, ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए आपको प्रमोशन बहुत जरूरी है, यानी अब यूं समझे कि अगर आपने कोई स्टोर ओपन किया है, अगर वो स्टोर पे कस्टमर ही ना हो तो स्टोर किस काम का, इसके लिए आपको प्रमोशन करना जरूरी है। आप प्रमोशन चाहे फेसबुक में करें, ऐप में करें, मोबाइल एप्लीकेशन से करें, किसी भी टाइप से आप प्रमोशन करें, वो चीज आपको करना है। तो इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीजें ए टू जेड अवेलेबल है, ठीक। अब बिजनेस सेटअप करने से लेकर प्रमोशन करने तक फिर देर किस बात की, आज ही बुक कीजिए और पहले आइए, पहले पाइएगा, हिस्सा बनिए।